नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वादी संवादी के स्पेशल एपिसोड में। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में परिचय है भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी वादन का, वो स्वयं में परिचय है भारतीय शास्त्रीय संगीत की रागदारी का और समझदारी का, वो स्वयं में परिचय है मधुरता का, सौम्यता का, सरलता का, सुंदरता का और सुरीलेपन का। जी हाँ दोस्तों, हम हार्दिक स्वागत करते हैं प्यारी सी मुस्कान वाले बांसुरी के टॉप ग्रेट आर्टिस्ट, विश्व विख्यात बांसुरी वादक पंडित रूपक कुलकर्णी जी का। तो आइए सीधे चलते हैं वादी संवादी के स्पेशल एपिसोड में, लेकिन उससे पहले पंडित रूपक कुलकर्णी जी के बारे में, जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। 19 अप्रैल 1968 के शुभ दिन पंडित मल्हार राव कुलकर्णी और मालती कुलकर्णी जी के यहाँ पर आपने जन्म लिया। संगीत के माहौल में आप पले बड़े और अपनी प्रारंभिक संगीत और बांसुरी की शिक्षा आपने अपने पिता पंडित मल्हार राव कुलकर्णी जी से ली। केवल 9 साल की उम्र में आपको महान बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के सानिध्य में बांसुरी सीखने का मौका मिला और आप उनके पहले गंडाबंद शागिर्द बने। अपने गुरु की असीम अनुकंपा से आपको मेहर घराने का ज्ञान प्राप्त हुआ और आपकी कड़ी मेहनत ने आपको ध्रुपद, ख्याल, तंत्रकारी शैली में पारंगत किया। मात्र 12 साल की उम्र में आपने वडोदरा शहर के दरबार हॉल में अपनी पहली प्रस्तुति दी और उसके बाद आपका सफर शुरू हो गया। देश विदेश के कई बड़े मंचों पर आपने अपना बांसुरी वादन किया और पूरी दुनिया को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। गुरुदेव को प्रणाम, चरण वंदन और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। खुश रहो, बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स है और इतनी कम उम्र में इतना सब किया है, बहुत बढ़िया। और आज आपके आने से मुझे बहुत शक्ति मिल गई है, ऊर्जा मिल गई है, और मुझे ही नहीं सभी स्टूडेंट्स को जो आपका बेताबी से जो है आपका बहुत वेट कर रहे थे आपको सुनने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड भी अच्छा है म्यूजिक रूम का। आज का जो हमारा इंटरव्यू रहेगा उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक रहेगा बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, क्योंकि मेरे चैनल से पूरी दुनिया के अलग अलग स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के, अलग अलग वर्ग के, तो सबके लिए मैंने क्वेश्चंस छाट रखे हैं, टॉप क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और मुझे बहुत सारे ईमेल्स भी आए थे कि आप उनसे ये पूछिएगा, तो मैं आज आपसे वही प्रश्न पूछने वाला हूं। ठीक है। और एक, हाँ, एक और बात गुरुजी, ये है कि एक मास्टर क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। इसकी खासियत ये है कि मेरे जीवन में इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल रहा था, इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया था और यही सवाल बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है, तो वो इस इंटरव्यू के अंत में मैं आपसे पूछूंगा। जरूर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आपकी आज्ञा चाहिए शुरुआत करने के लिए। शुरू करते हैं जी। बांसुरी जो वाद्य है वो दूसरे वाद्यों से कैसे भिन्न है, जैसे गिटार है, वायोलिन है, तो कोई स्टूडेंट जो है, कोई युवा जो है, वो क्यों बांसुरी को चुने, उसमें ऐसा क्या खास है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं होती है कि ये वाद्य ऐसा है इसलिए इस वाद्य को चुनना चाहिए। हर एक का अपना अपना अपनी अपनी पसंद होती है, तो जिसको जो भाता है वो उसको चुनता है। और मुझे भी बांसुरी के लिए इतना पता नहीं था कि मतलब मेरे हाथ में बांसुरी आ जाएगी, मैं बांसुरी बजाऊंगा, क्योंकि मेरी शिक्षा शुरू हुई थी संगीत की शिक्षा मेरे पिताजी पंडित स्वर्गीय पंडित मल्हार राव कुलकर्णी जी ने की थी, तो मुझे तबले से मेरी शिक्षा आरम्भ हुई थी, करीब 1.5 साल का था, तो मुझे क्योंकि घर में संगीत था, पिताजी तबला सिखाते थे, बांसुरी सिखाते थे, तो अपने आप पता नहीं तबले में कैसे मेरे हाथ चलने लगे। तो मेरी माँ कहती है कि मुझे कुछ भी खेलों में लाके देती थी, मैं कुछ उसका उसका नहीं खेलता था, सिर्फ तबले के साथ ही मैं रियाज करता था, बजाता था। तो
और अचानक पता नहीं बांसुरी मुझे मेरे हाथ में कैसे आ गई, मुझे खुद को ही पता नहीं है, मगर जब हाथ में आ गई तो मैंने भगवान को बहुत बहुत शुक्र अदा किया भगवान का, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे अहम चीज है निसर्ग, नेचर। अगर नेचर खुश रहे तो हम पूरी मानव जाति या पूरी संस्कृति खुश रहती है। और बांसुरी एक ऐसा नेचुरल वाद्य है जिसमें ना कुछ तार है ना कुछ चमड़ी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी वाद्यों में तार है या स्किन है तो वो वाद्य अच्छे नहीं है, सब वाद्य अच्छे हैं क्योंकि उसमें से संगीत ही बचता है। मगर बांसुरी चूंकि एक तो हम निसर्ग नेचर के पास हमको ले जाती है, तो हमेशा नेचर के पास रहना सबके फायदेमंद होता है, सबके लिए फायदा होता है, सबके लिए फायदेमंद की बात होती है। तो बांसुरी बजाने से एक तो नेचर को जिंदा रखना है तो ग्रीनरी होनी चाहिए, तो बांबू से बांसुरी बनती है। बांबू इतने जल्दी उपजाऊ है, इतना उपजाऊ है, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, जितना भी काटो वो अपने आप आते ही रहते हैं। तो ये एक नैसर्गिक देन है, नेचर की देन है। दूसरी बात, बांसुरी बजाने से अपने आप योग भी हो जाता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो कि सब कहते ही है कि आपको लंबी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, तो बांसुरी बजाने से वो भी होता है। और तीसरी बात यह है कि सब वाद्यों में बांसुरी इतनी सस्ती है कि ये कोई भी खरीद सकता है। कितनी बांसुरी महंगी हो, सफेद तीन की बांसुरी ज्यादा से मैक्सिमम 15,000 की मिलती है, तो ये आप तबला खरीदना चाहिए तो 20-25,000 और तो अपने साथ लेके घूम भी सकते हैं उसको, कहीं भी पहुंच गए अपने साथ लेके, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, कहीं भी जी जी खरीदने जाए 50,000 उसका जो मेंटेनेंस हर हर दो महीने उसका जरूरी है। ये नहीं कहते तो गलत बात है, मगर बांसुरी के काफी सारे फायदे हैं। और चौथी बात ये है कि मेंटेनेंस नहीं है उसका कुछ भी, और सबसे अहम बात है कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हो, तो जो भी चीज भगवान से जुड़ी है तो वो अच्छी होगी ही होगी। भगवान का प्रसाद है, कृष्ण के अधरों से लिपटा हुआ साज है तो उनका प्रसाद। भगवान तो प्रसाद नहीं, प्रसाद नहीं, वो भगवान ही है। भगवान ही है, क्या बात है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, तो प्रसाद तो भगवान की बात आता है तो हम उसको भगवान ही मानते हैं जी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि हम जॉब करते हैं, लेट आवर्स उनका जॉब रहता है, तो ऐसी बिजी लाइफ स्टाइल के अंदर कैसे वो शास्त्रीय संगीत को सीखे समझे। ये भी बहुत आसान इसका जवाब है। मैंने खुद जॉब किया 28 साल आकाशवाणी में, तो सुबह 8-9 बजे निकलता था, शाम को 6-7 बजे घर आता था। और आपको पता है बॉम्बे में ट्रेन से आना जाना कितना मुश्किल है, तो हालांकि फर्स्ट क्लास में जाता था, फिर भी फर्स्ट क्लास नाम के लिए होता है वो, तो भीड़ तो बहुत होती है। और मेरा रोज का वन वे जर्नी 1.5 आवर का होता था, बाई ट्रेन खड़े होकर जाना है, धक्के खाना है। तो इस समय में मैं ऐसे रात दिमाग में मेरे चलते थे कि सुबह सीरियस रात मारवा हो गया, इधर पारी हो गया, तो वो उसके बारे में मैं सोचता था, उसका चिंतन होता था। वो फिर मैं घर आके या वहाँ रेडियो जाके जब मौका मिलता था रियाज करता था, और जब बैठने की जगह मिलती थी तो फिर बहुत अच्छे राग, हंसधुनी हो गया, भूखा भी हो गया, दुर्गा हो गया, जो मतलब थोड़े से मन को प्रफुल्लित करते हैं, उसके बारे में सोचता था। तो हम अपने जीवन के अनुसार उस राग के बारे में, उस संगीत के बारे में सोचना चाहिए, उसका चिंतन हमेशा होना चाहिए। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, हम भले ऑफिस में बिजी है मगर फिर भी हमारे दिमाग में रहते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे मम्मी क्या कर रही है, हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, या शादीशुदा है तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। वैसे संगीत के बारे में भी सोचना है कि ये राग कैसा हो सकता है, काम तो चलता रहेगा, तो बैक ऑफ द माइंड वो संगीत आना ही चाहिए, उसको चलना ही चाहिए। तो और आप एक बार आपको वो आदत हो गई तो फिर वो आपके हाथ में भी आएगी, आपके बजाने में भी वो आ जाएगा। और फिर आपको अगर सही में उसके लिए पैशन है तो आप कुछ भी करके समय निकालेंगे। जैसे हमको भूख लगती है तो हम कितना भी हम बिजी है खाना तो खाएंगे ना, तो इसको वैसे जिससे सांस तो लेना ही हमको, वैसे संगीत की भी सांस लेनी चाहिए, तो फिर अपने आप सब रास्ते खुल जाएंगे। जी जी, कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं रेडियो पहुंच गया सुबह 9 बजे, अचानक मुझे फोन आया कि किसी
फिल्म का रिकॉर्ड मिले, तो मैं कुछ कुछ फिल्म भी रिकॉर्ड में बजा सकता था। तो फिर मैं वापस घर आके, मतलब बोरीवली से चल कर जाके, फिर बोरीवली आके मेरा बांसुरी का बॉक्स करके फिर अंधेरी या बांद्रा जाके फिर दिन भर वहाँ बजाना। तो वो लोग तो ये नहीं देखते थे कि मैं इतना थक के आया हूँ, सारा दिन काम करके शाम को 6 बजे वहाँ पहुँचना है, रात को 12-1 बज गए। तो वो ये लोग नहीं देखते कि कितना थक के आए, तो वहाँ तो उनको रिजल्ट चाहिए। वो एक अंदर का पैशन, अंदर की जो हमारी भक्ति है वो हमको चलाती है। जी जी जी। नहीं तो फिर हम, अगर हमको वो ग्रेविटी नहीं है उस चीज़ की, तो फिर हमको समझ में आ जाए कि हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारे अंदर वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, जो हमको पुश करे। तो बांसुरी या संगीत आपको पुश करेगा अपने आप, तो अपने आप हो जाएगा। इससे मुझे एक किस्सा आ रहा है ध्यान, अपना एक किस्सा अपने हॉस्टल डेज का, कि जब मैं अपने हॉस्टल से अपने कॉलेज से अपने रूम पे आता था, तो दिन के 2 बजे के आसपास का टाइम था वो, और सभी जो रूममेट थे वो लाइट बंद करके खाना खाके पूरा छाछ पी के सो जाया करते थे, और ऐसे माहौल में मुझे रियाज करना था। तो मैंने सोचा कि भाई पास में एक सुनसान शिव मंदिर था वहां पे, ये बात है वडोदरा शहर की, तो पूरा सुनसान एरिया था। मैंने एक दिन देखा और अगले दिन से मैं सीधे कॉलेज से वहां पे गया, और दिन भर मेरा अधिकतर समय जो है शिव मंदिर में बीतता था, कि चाहे कुछ भी कर रहा हूं लेकिन संगीत से कनेक्टेड हूं मैं, ताकि मैं भटकू भी नहीं और अपने हिसाब से अपना कुछ ना कुछ ढूंढ लूं रास्ता। अपने अंदर वो जज्बा है तो भगवान हमको खुद रास्ता दिखाता है, राह दिखाता है, ये मैं खुद अनुभव किया है। जी जी जी। कि जो भी बांसुरी सीखना स्टार्ट करते हैं उनको बड़ी फ्लूट के अंदर, बेस फ्लूट में होल्डिंग में बड़ी दिक्कत आती है, तो इसका सही तरीका क्या है? क्या बांसुरी पे जो होल्स पे फिंगर रखने के बहुत सारे तरीके हैं? हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का ग्रिप अलग होता है, तो वो समझना चाहिए कि हमको कौन सी ग्रिप सही हो जाएगी, तो वो सोचना पड़ेगा। जी जी जी। क्योंकि बाकी वादों में तो फिक्स होता है, सितार है या सब होता है, तो उनका वो लेंथ सब फिक्स होता है, मगर बांसुरी में रियाज थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर एक साइज की बांसुरी आती है, तो हर एक बांसुरी का अलग अपना नेचर है। मतलब वैसे देखा जाए तो हर एक बांसुरी एक अलग साज है, वो अलग वाद्य है। मेरे ख्याल से ये जो हम ऐसे जो ग्रिप है जिसको हम शहनाई ग्रिप कहते हैं, एक अच्छा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ताकि वो उतरता है ना, तो जैसे डिस्टेंस दूर हो जाता है तो वो बजाने में आसान हो जाता है, जैसे गुरु जी की पद्धति है, मैं भी उसको ही फॉलो करता हूँ, तो वो एक आसान तरीका है। बाकी पन्ना बाबू की भी फिंगरिंग है, वो शायद से टिप को यूज करते हैं ना, टिप लगाते हैं बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट को। पंडित रघुनाथ सिंह जी की अलग ग्रिपिंग थी, तो वो देखना है कि अपने बॉडी को कौन सा ग्रिप सही है। अब मैं कभी भी नहीं, मेरे गुरु जी ने कभी किसी को बताया कि ऐसे ही बांसुरी पकड़ दो, क्योंकि फिर वो आधा समय उसमें जाएगा और भाग जाएगा, फिर उससे अच्छा है कि उनको जो ग्रिप आराम होती है उससे बजाना चाहिए। आपने भी देखा होगा एक दो मेरे शिष्य ऐसे टिप्स को बजाते हैं, तो उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि संगीत का अंतिम उद्देश्य सुर में बजना, बांसुरी सुर में बजनी चाहिए, कोई भी वाद्य सुर में होना चाहिए बस। तो इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हमारी ग्रिप ऐसी है, हमारी ग्रिप वैसी है, सुर में बजनी चाहिए, अच्छा साउंड आना चाहिए, बस ये मेन बात है। मतलब कुल मिला के जो आपकी प्रकृति है जिसमें आप कंफर्ट हो, अंतिम लक्ष्य सुर है संगीत का जो है। अगर हम ज्योति लेते हैं तो शुरू में डरता है, तो वो ज्योति के हिसाब से हम फिर उसको चलते हैं ना, वॉकिंग हम वैसे ही करते हैं, तो वैसे ही हर एक चीज का है, तो हम अपने शरीर को वैसे अपने आप बना देते हैं। हाँ, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, मेन बात है, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर दुखता है, अंगूठा दुख रहा है हमारा बेस फ्लूट में, सब्र नाम की कोई चीज नहीं है आजकल, आज के स्टाइल में जो चल रहा है, आज का लाइफ स्टाइल जो है। अभी नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब कोमल स्वर प्ले करते हैं तो इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि भाई कोमल स्वर में फिंगर को आगे रखना है, ऐसे रखना है। मैं तो लिफ्ट करता हूँ जी, क्योंकि लिफ्ट करने में थोड़ा तान बजाने में थोड़ा आसान हो जाता है, मगर वो सब आदत की बात है। पन्ना बाबू जो स्पाइक करते थे उतनी बजे तान बजाते थे, गुरु जी लिफ्ट करते हैं, तो फिर मेरा जवाब वही है कि अपने हिसाब से उसको, अपनी प्रकृति के हिसाब से जो आपको कम्फर्ट बैठ रहा है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है।
जी अपने आप को जानेंगे तो फिर सब आगे सहज हो जाता है, आधा काम वही हो जाता है। बाद में फिर रागदर की बात आती है, रागों की बात आती है, फिर कैसे उसको बजाना है, रागों को कैसे निभाना है, वो बात की बात है। और शुरू में बेसिक आपका अगर फिंगरिंग पक्का हो जाएगा अपने हिसाब से कि हाँ ये फिंगरिंग मुझे सूट करता है, मेरे बॉडी को, मेरे फिजिक को सूट करता है, तो वो वैसे हिसाब से बजाना चाहिए। जी 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 गुरुदेव, वैसे मैं आपको बताऊं कि आज इस बातचीत से मेरे चैनल से बांसुरी के साथ साथ वायलिन के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, और साथ में आध्यात्मिक चर्चाएं भी मैं करता रहता हूं। तो आज तो सबके लिए जो है बड़ा सबको आनंद आ जाएगा हमारी बातचीत सुन के और आपकी बातें सुनकर, क्योंकि इतना सारा ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। एक और बार मैं कहूंगा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एडवांस कुछ सवाल लेके आया हूँ एडवांस स्टूडेंट्स के। विभिन्न तालों पर, विभिन्न तालों की पकड़ को लेके और उनपे रागों के हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन का प्रयास कैसे किया जाए और उस स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए? इसके लिए एक तो खुद की भाई पक्की होनी चाहिए, टेम्पो पक्का होना चाहिए। और इसके लिए बहुत मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। अभी उसके बाद इसमें दो दो, 1 2 1 2 1 2 1, ये होगा। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1 2 3, या 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये भी हो सकता है। फिर सात, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ती ती ना दी ना दी ना ती ती ना दी ना दी ती ती ना दी ना दी ना ती ती ना दी ना दी, फिर धागे ना तीन पे दिन, धागे ना तीन पे दिन, धागे ना तीन, आठ मात्रा। ये हम मतलब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जरूर कि हम गिनेंगे इसको, माइंड में रखेंगे, एक साइड 1 2 3 4, दूसरी साइड 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, ऐसे प्रयोग करेंगे तो फायदा हो सकता है। यानी उसके फ्लो को समझना है, कहीं ना कहीं नंबर्स के पीछे नहीं भागना। हाँ, और रिदम को अपने अंदर अपने सीपीयू में करना है, फिर हाँ वो जी जब जी बजाएंगे तो गुरुदेव, बाहर आ जाएगा। जी जी गुरुदेव, मैं वायलिन सीख रहा था कॉलेज में। मैंने जो ऑफिशियल मेरा मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, वायोलिन के अंदर किया है। तो उस वक्त फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर मैं वो सम को देखता था तालों में, जो जो ताल की मशीन रहती है ना, उसपे कि सम कब आ रहा है, पूरा ध्यान वहां रह करता था। फिर एक दिन उस्ताद जाकिर हुसैन जी का कॉन्सर्ट था और ग्रीन रूम में उनकी बातें सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि ताल के फ्लो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स को देखने के बजाय। और फिर मैंने जब उस ताल माला पे ढक दिया कपड़ा एक, और मैंने कहा मैं समझूंगा इसको कैसे जा रही है ताल, मेरी बॉडी झूमेगी इसके साथ, और फिर मुझे बड़ा फायदा मिलने लग गया। और उसी साल मैंने 9 मात्रा के अंदर राग प्ले किया, खुद का कंपोज किया। अगर आपके अंदर वो बैठ जाती है, 9 मात्रा हो 10 मात्रा हो, तो उसके बाद आप जब राग किसी भी राग में उसको इम्प्रोवाइज करते हैं तो उस 9 मात्रा को घूमना है, जी जी बिल्कुल, अपने आप बजाना है। उसके बाद जब आपको सम पे आना है या नुकदे पे आना है तो फिर देखना है वो कौन सी मात्रा जा रही है, तो वो हिसाब से फिर बजाना है। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव मेरा जो अगला प्रश्न है वो है कि इंसान के व्यक्तित्व का, उसके नेचर का, कह सकते हैं कि धैर्य का, विवेक का, इन सब बातों का आपके बांसुरी वादन पर क्या महत्व पड़ता है? मेरे हिसाब से ये बहुत अहम प्रश्न है, इतना आसान नहीं है इसका जवाब, क्योंकि मेरी बातों से सब लोग सहमत हो भी सकते हैं, कोई असहमत भी हो सकता है। मगर मुझे लगता है, मैंने जितने बाकी म्यूजिशियंस को देखा है, जितना बड़े बड़े म्यूजिशियंस को देखा है, तो ये
मनुष्य का स्वभाव स्वभाव और कुछ भी हो, इससे ये कोई मायने रखता नहीं है। आपके ऊपर भगवान का कितना आशीर्वाद है और आपने सरस्वती माँ की कितनी सेवा पूजा की है, आपने कितना रियाज किया है संगीत को लेकर, कितना सोचा है, वो मायने रखता है। जी गुरुदेव, उदाहरण के तौर पे ऐसा कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं था, बहुत मशहूर गायक थे किशोर कुमार जी, तो वो कभी भी मतलब रिकॉर्डिंग के वक्त बहुत हंसी मजाक करते थे, और कुछ कुछ सीरियस गाने ऐसे होते थे, ये आशा जी भी कहती, लता जी भी कहती है कि मतलब सीरियस गाना गाना है तो डायरेक्टर 1, 2, 3, 4 बोलने तक किशोरदा मजाक करते रहते थे, जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन हो गया पूरा सीरियस बन के वो गाते थे। तो कुछ कुछ बातें हैं, मतलब मुझे लगता है कि स्वभाव तो है, मगर आपको भगवान ने कितना आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर बहुत मैं उसका बहुत महत्व देता हूँ उसके ऊपर। और स्वभाव तो हर एक काबिल होता है, मगर साथ शुरू तो साथ ही है, वो पैसे आपको उसका उसको पैसे उसको यूज़ करना है, वो आपके हाथ में है। तो लोग कहते हैं कि आपका स्वभाव बहुत शांत है, आपका आना भी अच्छा होता है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, बहुत लोग बहुत चंचल भी होते हैं, मगर उनका आना भी उतना ही अच्छा होता है। गुरुदेव, आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही गंभीर शांत है, और जो आपके व्यक्तित्व की सुंदरता है वही आपके वादन में झलकती है। मैं तो बड़ा आभारी हूँ, ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसकी कृपा रही जो आपसे मिलना हो पाया, आपका आशीर्वाद हो पाया। मेरा सोचना है कि हर एक व्यक्ति से हम कुछ सीख ही सकते हैं जी, हर एक व्यक्ति में एक अच्छी बात तो होती है और उस अच्छी बात को लेना चाहिए हमको। जी जी जी, जी. एक एक सवाल ये है कि गुरु शिष्य परंपरा या गुरु शिष्य का जो नाता है, मैं आज के युवाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहा हूँ। आजकल का जो चलन चल रहा है, बहुत हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, तो वो लोग जब बांसुरी वादन में आते हैं, शास्त्रीय संगीत को सीखने की इच्छा रखते हैं, तो ये बात है गुरु शिष्य का जो एक रिलेशन है, और इस पे कुछ प्रकाश डालिए आपके अनुभव के साथ कि आपका क्या अनुभव रहा और आप क्या मानते हैं। मैं गुरु शिष्य परंपरा तो हर एक चीज में है, अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न प्रभाव ज्यादा है तो उसमें बुरी बात कुछ है नहीं, क्योंकि जो अच्छी चीजें हम पाश्चात्य देशों से आई है, वेस्टर्न कल्चर से हमारे आई है, वो हम फॉलो करते ही है, तो अच्छे के साथ बुरा भी आता है, बुरे के साथ अच्छा भी आता है, तो उसमें कुछ वह भी हमारे ऊपर है, हमको कितना उसके उसके साथ बहना है, उसको कितना लेना है, कितने दिन पिज़्ज़ा खाना है और कितने दिन रोटी खानी है, हमको सोचना है, क्योंकि सब सभी खाते हैं पिज़्ज़ा, तो मैं भी खाता हूँ, बहुत पसंद है, मगर वो अभी रोज़ तो नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खाते हैं। मगर हाँ, म्यूज़िक के बारे में, उनका म्यूज़िक भी बहुत रिच है, उनका म्यूज़िक भी साइंटिफिक है, हमारा भी है, तो उनका भी बुरा नहीं है। हम कहते कि जैज हो गया या रॉक या हेवी मेटल रॉक, तो उसमें भी कुछ तो है, नहीं तो फिर इतना वो पॉपुलर क्यों होगा। जी सही बात है, लोग इतने तो बुद्धू नहीं है कि किसी भी चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर ले, उसमें कुछ तो चीज़ होगी। पर हाँ, एक बात यह है कि मैंने खुद अनुभव किया है कि हमारा संगीत आत्मा तक पहुँचता है, और जो संगीत आत्मा तक पहुंच गया वो पूरे शरीर तक पहुंच जाता है, पूरे बॉडी तक पहुंच जाता है, और कुछ संगीत बॉडी तक पहुंचता है आत्मा तक नहीं पहुंचता है। तो हो सकता है कि हमारी कुछ श्रुतियाँ हम ऐसे किसी रागों में यूज़ करते हैं, भैरव हो गया, दरबारी हो गया, बहुत पुराने राग हैं, या राग मेघ हो गया, या बांकुश हो गया, जितने भी पुराने राग हैं वो सब आत्मा को छूते हैं, चाहे कोई भी बजाए, वादक गायक कोई भी हो, अब कुछ हद तक वो आत्मा तक छू जाता है, उसके पीछे वो श्रुतियों का शायद महत्व होगा उसमें, और वो श्रुति कैसे लगती है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक रात को हर एक मतलब मेरे हिसाब से हर एक रात हर एक देवता है, हर एक देवता का एक रोल है, इंद्रदेव का बारिश क्या है, विष्णु जी का ये रोल है, भगवान शिव का ये रोल है, तो वैसे हर एक रात का हर एक व्यक्तित्व है, उनका काम वही है, दरबारी का काम एकदम मतलब बहुत शांत धीर गंभीर है, भैरव का भी मतलब राइजिंग सन के लिए वो है, तो हर एक व्यक्ति रात की अगर हम
प्रवृत्ति को हम अच्छे तरह से बजाए समझ के तो इफेक्टिव होगा ही होगा। मैं गुरुदेव अध्ययन कर रहा था। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए ना, उसमें से और कुछ आ सकता है। अच्छा मैं अध्ययन कर रहा था किताबों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, तो हमारा जो भारतीय संगीत है इसका जो जो इसका इतिहास मिलता है वो रामायण काल में भी मिलता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट थे, राम के स्वयंवर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे थे। तो मतलब 5000 साल पहले भी भारत का संगीत था, उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो ये एक बहुत खास बात है हमारे संगीत की जो मुझे जानने को मिली। हाँ, क्योंकि वो राग मंदिरों में गाए जाते थे ना। जी तो जी, तब से आए हुए हैं। और ये जो समय चक्र जो हुआ है, ये भी हो सकता है कि उस वक्त के राग उस गीत में या उस भजन या उस दोहे में गाते थे, तो वो हिसाब से वो राग का समय वही फिक्स हो गया शायद, ये भी हो सकता है। जी और जी हो सकता है कि वो राग उसी तरह से बनाए होंगे कि उस समय के हिसाब से बनाए होंगे, तो ये भी है। जी 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 गुरुदेव, आप कुछ गुरु शिष्य की बात कर रहे थे और मैंने बीच में बोल दिया था एकदम से, वो पूरा करिए। एक बहुत अच्छा नाता है, जैसे माँ बेटा है, पिता पुत्र है, पिता पौत्री है, माँ बेटी है, भाई बहन है, वैसे गुरु शिष्य एक अलग नाता है। ये जो माँ बाप भाई बहन के नाते भगवान ने बनाए हुए हैं और गुरु शिष्य का नाता तकदीर ने बनाया हुआ है, जिसके तकदीर में जिसकी तकदीर अच्छी है उसको अच्छे गुरु मिलेंगे और जिनकी तकदीर जिन गुरुओं की तकदीर अच्छी है उनको अच्छे शिष्य मिलेंगे। बहुत सारी बातें होती है कि गुरु शिष्य कहेंगे तो सिर्फ गुरु ही सुपीरियर दिखाते हैं, मतलब गुरु ही मतलब ऐसा दिखाते कि गुरु देवता हो गया। तो ठीक है, गुरु को देवता मानना चाहिए, मगर ये नहीं कि गुरु देवता होता है। मेरे सबसे सबसे पहले माँ बाप आते हैं, बाद में गुरु आते हैं, क्योंकि वो तकदीर ने हमको मिला है। दोस्त भी तकदीर से हमको मिलते हैं। जी जी। और वो फिर हम उसको कैसे निभाते हैं, वो रिश्ते तो माँ बाप के रिश्ते तो हम तो निभाते ही है, क्योंकि खून का रिश्ता होता है, मगर बिना खून के रिश्ते कैसे निभाएंगे। जैसे पति पत्नी का रिश्ता, वो भी तकदीर से आता है। वैसे गुरु शिष्य या दोस्त, वो सब तकदीर की बात होती है। और मैं यही सोचता हूँ कि हर एक रिश्ता हमको अच्छे से निभाना चाहिए। और गुरु शिष्य का रिश्ता तो बहुत ही पवित्र होता है। आपका छोटा सा एक्सपीरियंस बड़े गुरु जी के साथ, सबको जानने की बहुत इच्छा हो गई अब। मैं वही प्यार हूँ। ये कुछ एक्सपीरियंस मतलब बताने से नहीं आते, वो महसूस करने होते हैं। जब भी मैं उनके साथ रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत सेफ हूँ। एक कवच मेरे पूरे शरीर के बाहर मेरे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कवच है, और उनके साथ कुछ मैं हूँ तो मेरा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो ये बात तभी आएगी जब गुरु भी इतना ही प्यार करेंगे शिष्य को और शिष्य भी गुरु को इतना ही मान देंगे, तभी ये बात आएगी। और चूंकि मेरा इतना सौभाग्य अच्छा था, बहुत बचपन से गुरुजी को मैं देख रहा हूँ, गुरुजी से गुरुजी से संपर्क में आ गया 9-10 साल की उम्र में ही, तो वो एक बात देखे से भी ज़्यादा आगे का नाता है वो। मतलब जो मैं बात मेरे पिताजी को नहीं कह पाता था वो मैं गुरुजी को बोलता हूँ। तो इसमें मैं कह रहे थे तकदीर का नाता है। और ये भी बात सही है कि मेरी तकदीर अच्छी थी कि मैं ऐसे मुझे ऐसे पिताजी मिले जो खुद बांसुरी बजाते हुए भी उन्होंने गुरु जी के पास मुझे भेजा। मैं तो बहुत सारे मैंने मेरे दोस्त थे ऐसे जिनके पिताजी सेम इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, मगर वो किसी दूसरे के पास नहीं भेजा उन्होंने, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा नहीं था। तो मैं हूँ तो दूसरे के पास क्यों जाएगा। और जबकि मेरे पिताजी गुरु जी से 8 साल बड़े थे उम्र में। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अपने से छोटे उम्र के व्यक्ति को गुरु मान के अपने बेटे को भी वहाँ भेजना, इसके लिए बहुत मतलब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये काम सिर्फ जो निस्वार्थ निष्पाप आदमी होगा वही कर सकता है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है।
और जब गुरुजी के पास मुझे लेके गए पिताजी मेरे, तब गुरुजी कहे कि अभी रूपक मेरा बेटा है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, अभी ये मेरे पास है, मैं उसका सब देख लूँगा, तो और क्या चाहिए। तो ऐसे में गुरु भी आगे बाद में परीक्षा लेते हैं, जो हमको समझना चाहिए कि ये गुरु परीक्षा ले रहे हैं। मुझे पहली बात उन्होंने बताया कि बेटा तुम पिक्चर में नहीं हो जाओगे, तुम फिल्म में नहीं बजाओगे। मैंने ये नहीं, क्यों उनको ये नहीं पूछा क्यों नहीं बजाओ, यहाँ कि हाँ ठीक है गुरु जी नहीं बजाऊंगा, उन्होंने नहीं बजाना। बाद में खुद ही बोले कि नहीं बेटा अभी तुम थोड़ा थोड़ा बजाओ, ज़्यादा मत बजाओ। तो फिर मैंने थोड़ा ही बजा, 10 साल बजा के फिर बंद किया मैंने, ताकि वो भी एक उनको उनको पता था कि ये भी एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि माइक का एक एक्सपीरियंस स्टूडियो में अगर होता है उसमें वो काफ़ी फ़ायदा करता है। आजकल तो हम घर में ही सब कर सकते हैं, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो उस वक्त तो करीब बड़े रिकॉर्ड स्टूडियो में 100 म्यूजिशियंस बैठे उनके साथ बजाना, उसके लिए भी अलग एक मतलब हर एक वक्त एग्जाम होता है, तो वो भी बात है। मगर यह है कि गुरु को क्यों ये पूछना नहीं चाहिए, ये मैंने सीखा, क्योंकि वो जो गुरु जी ने जो कहा वो मेरा अच्छे के लिए कहा था जी, सही बात, क्योंकि उनको फोरसाइट थी कि ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें मेरा पूरा ध्यान शास्त्रीय संगीत में था और मेरा पूरा रागदारी पर ध्यान था, इसमें रागदारी की समझ टच थोड़ी सी आ गई मुझे, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, मैं तो फिर 5-10 साल में सब राग खत्म हो जाते बजा के। सही बात है गुरु जी। अब आखिरी कुछ प्रश्न रह गए बस, कि युवाओं के लिए जिन्हें करियर का सोच रहे हैं जो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या उनके लिए एक संदेश है? मेरे हिसाब से संगीत से अच्छा करियर कुछ भी नहीं है जी। आप देखिए, अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो वहां भी तो कॉम्पिटिशन है ना, और बाद में फिर डॉक्टर आप पास हो जाएंगे, एमडी भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपका खुद का डिस्पेंसरी चाहिए। उसमें एक तो एमडी एमएस बनते बनते ही करोड़ों रुपये निकल जाते हैं, और फिर उसका फिर सब जानते ही है। इंजीनियर बनना है तो उसके बाद भी सर्विस कैसे मिलेगी कुछ कह नहीं सकते जी। तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, हम हमारा आत्मा भी शांत होता है, हमारा दिमाग भी शांत होता है जो करने से, और इनकम भी होता है। आखिर में दो जिंदगी में दो ही बातें हैं, मन शांति और मनी शांति। मनी शांति और मन की शांति, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है लेकिन इन चीजों में बिल्कुल गलत। हम सोचेंगे तो हो जाएगा। अभी इससे संबंधित थी, इससे लिंक्ड ही मेरा जो स्टार क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन है आज के इस पूरे इंटरव्यू का, वो है गुरुदेव, ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ इसका संबंध मेरे करियर ग्राफ से भी है, क्योंकि 12th क्लास के बाद मुझे बांसुरी के अंदर बांसुरी में डिग्री करनी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने बड़े गुरुजी से गुवाहाटी के अंदर स्टेज पे सबके सामने माइक पकड़ के पूछ लिया था कि मुझे तो डिग्री फ्लूट में करनी थी लेकिन मैं जो है वायलिन में कर रहा हूं। तो इतना ज्यादा परेशान हो गया था मैं कि यार मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैंने सोच लिया था कि जब तक ये करूंगा दिल से करूंगा मैं। तो यही प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है कि सर हम डिग्री कहाँ से करें बांसुरी में, तो आपके हिसाब से आज कोई ऐसी संस्थान है क्या जिसमें इसकी डिग्री मिलती है? आजकल डिग्री का बहुत महत्व है पूरी दुनिया में, आप कितना भी अच्छा भेजें, मतलब अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी यूनिवर्सिटी का, यूजीसी का। तो सौभाग्यवश ऐसा हुआ कि मैं बहुत ऊब गया था मेरे सर्विस से, 28 साल सर्विस किया, तो बाद में एक मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि चिन्मय विश्वविद्यापीठ, चिन्मय यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीए शुरू किया। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चिन्मय ये चिन्मय नहीं है, ये अलग चिन्मय है, तो वो कंफ्यूज ना हो। चिन्मया, वो चिन्मया विश्वविद्यापीठ है। तो मुझे ऑफर आया कि आप एज ए गुरु वहाँ आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं दोबारा किया, और मैं वहाँ
जो पुणे में है, करीब 100 एकड़ की वहाँ कैंपस है, बहुत बड़ा आश्रम है वो, चिन्मय विभूति आश्रम, तो उसी के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है। और मैं गया था वहाँ कॉन्सर्ट के लिए, तो बहुत जगह पसंद आई थी मुझे, तो मैं सोचा कि ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग में जाके सिखाना, तो मैं खुद ही मुझे मतलब स्वर्गीय आनंद आएगा। तो इसने मैं तुरंत रेजिग्नेशन दे के वहाँ ज्वाइन किया चिन्मया विश्व विद्यापीठ में। वहाँ बीए का फर्स्ट ईयर शुरू हो रहा था। अच्छा, बांसुरी, तबला और गायन। काश ये मेरे समय में होता गुरुजी। हाँ, तब नहीं था। और अभी वहाँ ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, मगर अभी वहाँ मास्टर्स कर सकते हैं, इस हिसाब से शुरू हो रहा है वो। जी जी, तो बांसुरी में मास्टर्स जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में गुरु शिष्य परंपरा के तहत सिखाना नहीं होता है। बच्चे जाते हैं दिन में 40 मिनट का एक लेक्चर होता है, वो करके आ जाते हैं, और यहाँ घंटों तक सिखाते रहते हैं। और मास्टर्स के बाद जो बच्चे बाहर आएंगे उनको यूनिवर्सिटी का यूजीसी का सर्टिफिकेट होगा। और फिर उतना ही नहीं कि वहाँ जो बांसुरी के साथ आप गाना भी सीख सकते हैं और तबला भी सीख सकते हैं, तो आपकी लय भी पक्की हो सकती है, आपका गायन का अंग भी आपका पक्का हो सकता है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा किया उन्होंने ग्रेजुएशन में, अभी वो मेरे साथ आगे मास्टर्स करेंगे, तो उनका जो है बांसुरी का अंग तो अच्छा ही हुआ है, और गायन का और तबले का भी, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बांसुरी में क्या बजा रहे हैं जब तक हम खुद अंदर से गाएंगे नहीं हमको पता नहीं चलेगा, वो इफेक्ट नहीं आएगा, वो ऐसे बात है। तो ये चिन्मय विश्वविद्यापीठ बहुत ही अच्छे तरह से काम करेंगे हम लोग। ये तो बड़ी काम की जानकारी है गुरुदेव। और एक अच्छी बात है कि इसके लिए संगीत में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी विधा में आप ग्रेजुएट हो। अच्छा। आप मास्टर्स कर सकते हैं। हम उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको कुछ हद तक वो बांसुरी आनी चाहिए, तो वो उसका ऑडिशन देके फिर मतलब बैचलर आपने किसी भी फील्ड में किया है और आप कुछ हद तक अच्छा प्ले करते हैं तो आप मास्टर्स में आपका एडमिशन मिल सकता है। वहां पे मुझे सक्सेस होना चाहिए कि हाँ ये कर सकता है, तो मैं एडमिशन उसको दे सकता हूं। तो इसकी जानकारी फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। तो मैं अपने इस इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चिन्मय विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लेता हूं और उसका लिंक नीचे डालता हूं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके कि भाई क्या है ये, और पूरी जानकारी वहां पे उनको मिल सके। गुरु जी, ओके, ये वहीं पे रह के करना है, गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही रह के करना है ये, मतलब करेस्पॉन्डेंस जैसा कोर्स नहीं है कि आप ऑनलाइन कर सकते, नहीं, वहां रह के ही। तो फिर वहाँ जो 1-to-1 जो सीखना होता है गुरु के सम्मुख, बहुत जरूरी होता है। और मैं वहाँ जाता हूँ तो 5-6 घंटा रोज सिखाता हूँ, महीने में 7 दिन वहाँ जाता हूँ, तो रोज का 4-5 घंटा तो सीखना होता ही बच्चों का, तो वो बहुत जरूरी होता है। वो आपसे सीखने को मिलेगा, इससे बड़ी बात और क्या है गुरु जी। तो ये सुन के तो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे मुझसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है छोटे छोटे शहरों से जहाँ पे संगीत सीखने का कुछ भी नहीं है, उनमें बहुत टैलेंट है, ईश्वर ने उनको बहुत संगीत का आशीर्वाद दिया है, और वो बहुत परेशान रहते हैं कि हम क्या करेंगे आगे, कैसे जा सकते, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है। तो सबके लिए जो शहर में रहते हैं उनके लिए भी, तो शहर में तो बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और उसका शायद से मैंने देखा था पहले भी कि उसका जो एम्बियंस है, एनवायरमेंट है, पहाड़ी वहाड़ी और शांति आश्रम है जी, बहुत स्पिरिचुअल वहाँ का वातावरण है, तो वहाँ रहने से हमारे अंदर की जो बातें, म्यूजिकल बातें, वो दुगनी हो जाती है। जी गुरुदेव, तो आज बहुत सारी जानकारी मिल गई है आपके आशीर्वाद से। एक और बार कहना चाहूंगा कि आपने कीमती समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, सबकी तरफ से शुक्रिया, उन हजारों स्टूडेंट्स की तरफ से, और आपका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। तो आप भी अगर उनको संदेश देंगे ये कि मस्त रहे, मुस्कुराते रहे और बांसुरी बजाते रहे, तो बड़ा उनको आनंद प्राप्त होगा। तो स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे तो संगीत अच्छा आएगा,
अच्छा सीख पाएंगे। और यही मैं कहना चाहूँगा सबको कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं हाथ से, दिमाग में संगीत घूम चलना चाहिए। जी जी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का स्पेशल एपिसोड बड़ा पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, सीखने को मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे और हिम्मत मिले ऐसे अच्छे अच्छे काम करने की और भी इंटरव्यूज आपके सामने रखने की। आपका साथ ही मेरा साहस है। तब तक के लिए मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद और जय भारत।